अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की हंटरगिरी भी आपको हम दिखाते हैं। ये हंटरगिरी उन लोगों के लिए राहत देने वाली है जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी फीस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए नियम तय कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर योगी का हंटर, अब फीस हद से ज्यादा बढ़ाई तो खैर नहीं। साल दर साल फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर योगी सरकार में सख्ती हुई है। 20,000 सालाना से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के लिए योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्राइवेट स्कूल हर साल 7% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। एडमिशन फीस 12वीं तक एक बार ही देनी होगी। 5 साल से पहले यूनिफॉर्म नहीं बदली जाएगी। साल भर की फीस एक साथ नहीं ले पाएंगे। ट्रांसपोर्ट और कैंटीन की फीस के लिए पेरेंट्स से मंजूरी लेनी होगी। अगर स्कूलों ने नियमों की अनदेखी की तो पहली बार में 1 लाख, दूसरी बार 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी स्कूल नहीं मानते तो उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम कसने का ऐलान किया था। सरकार बनने के 1 साल बाद ये वादा पूरा होने की कगार पर है।